बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों की? टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। सो मैं आज कर रही हूँ अपनी ड्रॉर को ऑर्गेनाइज, किचन ड्रॉर को। सो आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ, लेट्स ऑर्गेनाइज टुगेदर। ये मैं लेकर आई हूँ एक ऑर्गेनाइज़र, और ये इट्स अ ह्यूज ड्रॉर बेसिकली, और उसके साइज़ का ऑर्गेनाइज़र है। ऑर्गेनाइजर्स के डिफरेंट साइज़ होते हैं, आपको बस देखना होता है कि आपकी ड्रॉर में कौन सा फिक्स आ रहा है। तो पहले मैंने उसको दूसरी साइड से रखा, अब मैं इस तरह से रख रही हूँ, क्योंकि काफ़ी मेस्ड अप हो जाती हैं चीज़ें। बच्चे भी अब बड़े हो गए, वो खुद चाहते हैं कि उनको उनको चीज़ों का एक्सेस हो, उनको जो स्पून चाहिए, कोई चीज़ चाहिए तो वो ईज़िली ले सकें, और घर के और मेम्बर्स के लिए भी बहुत ईजी रहता है अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखें। तो किचन तो ऐसी जगह है जहाँ पे हर कोई एंटर होता है और हर कोई आना चाहता है, और हर कोई हर किसी का एंट्री होती है, और हर कोई वहाँ पे काम कर रहा होता है, और कुछ ना कुछ खाने के लिए स्पेशली स्पूंस और फोक्स तो चाहिए होते हैं। तो अगर ये चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं, नीट एंड क्लीन होती हैं, तो इनको यूज़ करना बहुत आसान होता है, और चीज़ें गुम नहीं होती हैं, और आपको क्वांटिटी भी याद रहती है कि हमारे पास इतने फोक्स थे और इतनी नाइफ्स थी और इतने स्पूंस थे, तो इसमें से कितने मिसिंग हैं और कहाँ हैं। तो और ईजी रहता है, बहुत आसान रहता है। सो ये ऑर्गेनाइज़र मैंने ड्रॉअर में फ़िट कर दिया है। अब मैं हर चीज़ को जो हैंडी हैं, जो बेसिकली डेली यूज़ की इस तरह की चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं, वो मैं इस तरह से यहाँ रख रही हूँ। और बाकी जो सामान है जो मैंने बास्केट में दिखाया था, उसमें से काफ़ी चीज़ें इस तरह की हैं जो मैं अब यूज़ नहीं करती हूँ, दोस्त थिंग उनको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। ऐसे ही होता है हमारे साथ, हम बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं और स्टॉक कर लेते हैं, न्यू चीज़ें लेते जाते हैं, पुरानी चीज़ों को फेंकते नहीं हैं, जिसकी वजह से मेस्ड अप हो जाती हैं सारी चीज़ें और बिल्कुल ही क्लटर्ड हो जाती हैं, और हमारा किचन, घर, हर चीज़ जो है वो इतना ओवर क्राउडेड हो जाता है कि उसको नीट एंड क्लीन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो डी क्लटरिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो वो साथ साथ आप करते रहिए। और उसके अलावा अपनी ड्रॉर को प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने सारी चीज़ों को नीट एंड क्लीन किया, टाइडी किया, साफ़ किया, और जो बर्तन धुले हुए थे उनको भी मैं इस तरह के छोटे टॉवल्स रखती हूँ और उनसे वाइप कर करके रखती हूँ, तो बिल्कुल ड्राई होते हैं उस वक्त ये सारी चीज़ें इस ड्रॉर के अंदर जाती हैं, वरना इसके अंदर भी पानी और कचरा और ये सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके किस तरह से इसको ड्राई रखना है आपने। मैंने सामने बड़े स्पून जिसमें से सालन निकालने वाले, ड्रॉर खोलती सबसे सामने नाइफ है, लाइटर है, पीलर है, और स्पूनस, मेजरिंग स्पूनस हैं, फोक्स हैं, नाइफ्स हैं, जो बहुत ही हर वक्त के यूज़ की चीज़ें, वो मैंने बिल्कुल सामने रख दी हैं, और इस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। आप लोग भी देखिए, पसंद कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़। ऑर्गेनाइजेशन की इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ बनाने का इरादा है, एंड दे ऑल आर इन द पाइपलाइन, तो स्टे ट्यून गाइज, एंड थैंक्स फॉर विजिटिंग माई चैनल। और ये देखिए, नीट एंड क्लीन एंड टाइडी ड्रॉअर देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जज़ाकअल्लाह फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।